नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक की इस नई वीडियो में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल पर फैंस को जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश ने खलल डाला है। फिलहाल जो लेटेस्ट ताज़ा खबर मिल रही है उसके अनुसार बारिश रुक चुकी है और मैच कुछ ही देर में शुरू होने के आसार हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं न्यूजीलैंड और भारत के सेमीफाइनल में टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो पर लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे भी प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें। बता दें कि न्यूजीलैंड की पारी के 47वें ओवर में मैनचेस्टर में तेज़ बारिश हुई और खेल रोक दिया गया। बारिश शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने मैच पर पकड़ बना रखी थी। न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में महज 211 रन बनाए थे और उसके 5 विकेट गिर गए थे। हालांकि इसके बाद बारिश ने दस्तक दी और खेल रुक गया। आइए आपको बताते हैं कि कब मैनचेस्टर में बारिश रुकेगी और कैसे खराब मौसम टीम इंडिया के लिए विलन साबित हो सकता है। मौसम वेबसाइट्स की माने तो मैनचेस्टर में अगले 3 घंटों तक बारिश नहीं रुकेगी। इसके बाद अगर बारिश रुकी तो फैसला मैच रेफरी के हाथ में होगा कि मैच आज ही शुरू होगा या फिर बुधवार की सुबह। वैसे खबरों के मुताबिक मैच रेफरी डेविड बून हर हाल में आज ही मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके तहत वो 20-20 ओवरों का मैच भी करा सकते हैं। हालांकि इससे टीम इंडिया को ही नुकसान होगा। 20 ओवर के मैच की सूरत में भारत को 148 रनों का लक्ष्य मिलेगा, जो कि स्लो आउट फील्ड पर एक बड़ा स्कोर माना जा सकता है। वहीं अगर मैच 46-46 ओवर का हुआ और टीम इंडिया 20 ओवर बल्लेबाजी कर लेती है और उसके बाद अगर बारिश फिर दखल देती है तो टीम इंडिया को फिर अगले 20 ओवर में 60-70 रन ही बनाने होंगे। अगर बारिश के चलते आज खेल शुरू नहीं हुआ और 20 ओवर का खेल भी संभव नहीं हुआ तो बुधवार को न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरेगी और मैच जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। वैसे आपको बता दें कि मैनचेस्टर में बुधवार को भी भारी बारिश की आशंका है। अगर बुधवार को भी खेल शुरू नहीं हुआ तो फिर लीग स्टेज में टॉप करने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि टीम इंडिया फाइनल में सीधे पहुँच जाएगी।